हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में हम लोग डीलेट फर्स्ट ईयर से जब सेवन सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट थर्ड डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग यूनिट सेकंड तक डिस्कशन कर लिए थे। प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम थे एनसीटी एनसीएफ गणित आधार पत्र के संदर्भ में इन सब के बारे में चर्चा किया था। आप लोगों को बताया था कि आप लोग बिहार के प्राथमिक स्तर की गणित पुस्तक का नाम क्या है, गणित का पाठ्यक्रम क्या है, ये आप लोग करेंगे। जो सरकारी बुकें चलती हैं प्रसिद्ध विद्यालयों में, यहाँ से आप उस बुक का नाम, गणित की बुक का क्या नाम है और उसके गणित का क्या क्या पाठ्यक्रम है, इसको आप समझेंगे और नोट करेंगे। थैंक यू। आज हम लोग उसी कड़ी में आज अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, संख्या एवं संख्या संक्रियाएं। संख्या एवं संख्या संक्रियाएं में हम लोग डिस्कशन करेंगे किन किन बिंदुओं पर। ये संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास, संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या हैं, इनका विकास से क्या समझते हैं। संख्या पूर्व अवधारणा का मतलब संख्या से सीखने से पहले हमारे मन मस्तिष्क में क्या अवधारणाएँ हैं उसको समझेंगे। संख्या की अवधारणाओं की समझ, उसके बाद संख्या की अवधारणा क्या है, संख्या की अवधारणाओं का पहले का विकास, संख्या की अवधारणा की समझ समझेंगे। गिनती से कैसे बच्चों को कैसे परिचय कराया जाए। नेक्स्ट संख्या प्रत्यय की समझ का विकास एवं विभिन्न संकेतों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुति। संख्या प्रत्यय की समझ क्या है, इसका विकास बच्चों में कैसे किया जाएगा। संकेतों के माध्यम से, विभिन्न सिंबल्स के माध्यम से संख्या को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या है, इसको भी डिस्कशन करेंगे। और गणितीय संक्रियाएं एवं उनमें संबंध, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं, उनमें कोरिलेशन एक दूसरे से अंतः संबंध क्या हैं, इन तमाम बिंदुओं के बारे में हम डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। आज इसी कड़ी में हम लोग संख्या पूर्व अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। संख्या पूर्व अवधारणाओं का समझ, ये हमारे यूनिट्स का, संख्याओं संख्याओं की यूनिट्स का पहला टॉपिक है, संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास समझते हैं। संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास का मतलब किसी भी संख्या को सीखने से पहले मन मस्तिष्क में क्या कंसेप्ट बना हुआ है, क्या इसका तथ्य है, इस बात को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, हमने अभी गिनती का मतलब जाना, बच्चों का मतलब संख्या से पहले की अवधारणा क्या है, संख्या क्या है, संख्या को कैसे बच्चे सीखते हैं, इसको हम थोड़ा समझाते हैं। हमने अभी गिनती का मतलब जाना, इसका मतलब गिनती के बारे में बच्चों को सामान्य आइडिया थोड़ा रहता है, चाहे चाइल्डहुड में बच्चों के पेरेंट के पास रहते हैं या अगर दैनिक जीवन में गतिविधि करते हैं। और यह भी सीखा कि बच्चों की अवधारणाएँ सीखने से पहले उन्हें उस अवधारणा को टटोलने व अनुभव करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब कि संख्या पूर्व अवधारणा बच्चों में तभी बनेगी, किसी भी संख्या के अवधारणाओं को सीखने से पहले बच्चों को उस संख्या को अपने अनुभव के आधार पर ढूंढने, उस संख्या का अर्थ भाव मतलब मीनिंग्स क्या निकलता है उसको खुद अपने अनुभव के आधार पर निकालें, और ऐसा उनको अनुभव पर्याप्त अवसर बच्चों को दिया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। एक बच्चे को, चाहे वह पेरेंट्स के पास हो या कक्षा कक्ष में प्री चाइल्डहुड की बात हो, उन्हें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे काउंटिंग के रूप में एक्टिविटी कर रहे हैं या अगेंस्ट और रिपीट रूप में एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको पुनर्बलन कर देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छा किया, वाह बेटा वाह, वाह बहुत अच्छा प्रयास किया, इस प्रकार से बच्चों को पुनर्बलित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो गिनती या संख्या सीखने से पहले कम ज़्यादा ऊपर नीचे दूर पास व छोटा बड़ा आज से परिचित होते हैं। सही बात कि जो बच्चे होते हैं वो गिनती बाद में सीखते हैं, गिनती से पहले उनको ये होता है ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये हमारे पास में है, वो हमसे दूर है,
वो छोटा है या बड़ा है, इन सब वस्तुओं से, इन सब के बारे में बच्चे में प्रत्यय कंसेप्ट बना रहता है। गिनती, इसका मतलब कि नंबर सीखने से पहले बच्चा क्या सीखता है, बच्चा सीखता है पहले ज़्यादा क्या है, कम क्या है, ऊपर क्या है, नीचे हमारे कौन सी वस्तु हैं, कौन सी वस्तु हमारे पास में है, कौन सी वस्तु कितनी दूर है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इन सब से बच्चा परिचित होते हैं प्री चाइल्डहुड में गिनती सीखने से पहले। प्रारंभिक स्तर पर जब हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे संख्या गिनती का मतलब नहीं समझ पाते, इसका मतलब उनको पता ही नहीं है कि गिनती का मीनिंग्स क्या हुआ, एक है इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने किया ही नहीं है, ऐसा अवसर तो दिया ही नहीं गया, ऐसे अवसर देना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे होते हैं, प्रारंभिक स्तर पे, उनकी संख्या गिनती का मतलब ही नहीं समझ पाते। उदाहरण देते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, मेरे एक मित्र के बच्चे से 13 लिखने के लिए कहा गया, छोटा बच्चा है, हमने उससे कहा कि आप 13 लिखिए, बच्चे ने 31 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चे से, ये कहा गया बेटा आप 13 लिखिए, क्या लिखिए 13, लेकिन बच्चा ने लिख क्या दिया, बच्चा ने 23 के स्थान पर क्या लिख दिया, इसको लिख दिया। अब बच्चा 13 लिख दिया तो कक्षा में शिक्षण करते समय बच्चों को ऐसे अनेक उदाहरण सामने आते रहते हैं, अर्थात कभी भी ऐसा नहीं कि बच्चे को 69 बोलेंगे तो 96 लिख देगा, 16 बोलेंगे तो 60 लिख देगा, 15 बोलेंगे तो 50 लिख देगा। इस प्रकार से आपको तमाम संख्याओं के बीच में कन्फ्यूजन बच्चों में आता रहेगा जब आप शिक्षण कार्य करेंगे, अनेक ऐसे वाक्य घटनाएं आपके सामने आती रहेंगी। उसके लिए अब क्या करेंगे, अक्सर कक्षाओं में देखा गया है कि बच्चे किसी लिखे हुए संख्या को जैसे 8 को नहीं पढ़ पाते अथवा इसका मतलब नहीं समझ पाते, जबकि उन्हें ऐसी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही जब किसी बच्चे को 1039 में 3 का मतलब पूछा गया तो अथोचित जवाब नहीं देगा, अर्थात उसके 3 का स्थानीय मान पता नहीं है। यह तो बात फैक्ट्स है, क्या कि तमाम एग्जाम्पल देखने के बाद इस प्रकार से भी देखा गया है, इस प्रकार से भी एक्टिविटी देखी गई है कि जिस कक्षा स्तर का बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, कक्षा 2 का है, 3 का बच्चा, जैसी कक्षा स्तर का बच्चा हो, जिस अंडरस्टैंडिंग लेवल का बच्चा हो, उस स्तर के प्रश्नों को समझ नहीं पाता, उस पर लिखे गए प्रश्नों को नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता, अक्सर ऐसा होता है। इसका मतलब कि वह बच्चा अपनी कक्षा, अपने औसत कक्षा के बच्चों से कमज़ोर है, ऐसा मिलता है अमूमन। लेकिन इसका मतलब कक्षा 3 या 4 के बच्चे को ये कह दिया जाए 1025, इस संख्या में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो इसका मतलब ना बता पाए, 5 की वैल्यू 5 ही बताए, 5 की वैल्यू और स्टोरी 2 की वैल्यू 2 ही बताए, इसका मतलब सही जवाब नहीं दे पाया, अर्थात उसको 1, 2, 3 के 5 का मतलब में संख्याओं के बारे में आइडिया तो है लेकिन संख्याओं के स्थान के बारे में आइडिया नहीं है, अर्थात उन्हें स्थानीय मान का बोध नहीं है। हालांकि वो संख्याओं को पहचानना और जानना पढ़ना जानते हैं, वो संख्याओं को जान भी ले रहे हैं, संख्याओं को पढ़ ले रहे हैं, लेकिन संख्याओं के स्थानीय मान को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी भी वाक्य आता है। ये गिनती सीखने की पहले की अवस्था है, पूर्व संख्या पूर्व अवधारणा है। ऐसी स्थिति में हम शिक्षक हताश होकर या तो शिक्षण करने में अरुचि दिखाने लगते हैं, भाई ऐसी स्थिति आ गई, तो कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं तो हताश हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे और शिक्षण कार्य अरुचि पूर्वक करेंगे, शिक्षण कार्य में उनको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो अर्थात बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे, फटकारना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही हम ऐसा भी करते हैं कि हम स्वयं ही बच्चों को उनके सवालों का जवाब दे देते हैं, बच्चों को खुद काम देना होता है, कुछ वर्क देंगे तो उनका वर्क सलूशन हम खुद सॉल्व कर देंगे, खुद बता देंगे, बच्चों को खुद ही निपटा देते हैं। अच्छा, एक बात ये भी जानिए, जब शिक्षक इस रूप से शिक्षण कार्य करने लगे,
इस रूप से शिक्षण कार्य करने लगे, इसका मतलब हताश होकर के शिक्षण कार्य करे, अरुचि इसका और शिक्षण में रुचि ही न हो, बच्चे को डांटने लगे और साथ ही साथ बच्चे को जो वर्क दे, सवाल दे, क्वेश्चन दे, बच्चा उसको सॉल्व ना कर पाए, अध्यापक खुद ही उस प्रश्न को सरल कर दे, इसका मतलब कि बच्चे की स्वयं करने की ताकत, स्वयं करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, जवाब खोज कर निकालने की प्रवृत्ति, इन सब से वंचित हो जाएगा और बच्चे में इन सब तर्क का विकास नहीं हो पाएगा, स्वयं करने की भूख खत्म हो जाएगी, तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उसका वांछित विकास नहीं हो पाएगा। ये कमियां डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, इससे स्वयं बच्चे तर्क करने व जवाब खोज कर निकालने से वंचित रह जाते हैं, जबकि हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर बच्चे किसी प्रत्यय को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या हमने ऐसी गतिविधियां की प्रस्तुति उनके समक्ष की कि जिसमें प्रत्यय विकास के अवसर सृजित हों, अर्थात क्या हमें स्वयं संबंधित उदाहरण ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये तो स्वयं की बात हुआ, शिक्षण की यही विधि है कि हम गलती सामने में नहीं ढूंढते हैं, गलती स्वयं में ढूंढते हैं। बच्चा नहीं समझ पाया तो ये नहीं कि हम अपनी बच्चे को डांट फटकार लगाएंगे, उसको ये करेंगे, ये गलत, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ये समझ लेंगे कि बच्चा इस समझने की कोशिश करेंगे, उस स्थिति को हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि आखिर बच्चे किसी प्रत्यय को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ तो कमी है, उसके लिए हम अपन शिक्षण विधि का परिवर्तन करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देंगे, हम ऐसी गतिविधि को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, हम ऐसे बच्चों को गतिविधि ही नहीं करा पा रहे हैं जिससे प्रत्यय बच्चे का इस संख्या के कंसेप्ट बच्चे में बन सके, या प्रत्यय के विकास का जो अवसर है हम सृजित नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चे को ऐसा कंडीशन इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिससे छोटे छोटे प्रत्यय को खुद समझ लें, या हम ऐसे कुछ गतिविधि नहीं करा रहे हैं, ये स्वयं जांचने वाली बात होती है एक शिक्षक होने के नाते, या हमें स्वयं संबंधित उदाहरण को ठीक ठीक से समझ नहीं है, या खुद शिक्षक ही उस सही से एग्जाम्पल को, उस गतिविधि रूपी सब प्रश्नों को नहीं समझ पा रहा है तो बच्चों को कैसे समझाएगा। इस प्रकार से तमाम गलतियां आएंगी, इस गलती को निवारण करेंगे, दूर करेंगे और फिर से अपने उस प्रत्येक कंसेप्ट को, टॉपिक को, बिंदु को बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, तब तक करेंगे जब तक बच्चा सहज भाव में सीख ना पाए, सीखने के लिए तत्पर ना हो जाए, उसकी जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होगी, अर्थात उसके किसी भी प्रत्यय को जब तक समझ में नहीं आएगा, सीखने की भूख उसको नहीं होगी। इस प्रकार से हम एक्टिविटी कराएंगे, गतिविधि कराएंगे, प्रत्यय के नए नए अवसर देंगे, एक बच्चा खुद सर करे, खुद सीखे और स्वयं उदाहरण अच्छे अच्छे देंगे, एक नहीं अनेकों उदाहरण देंगे जिससे एक भी उदाहरण, एक भी कॉन्सेप्ट उसके मन मस्तिष्क में बन जाए। इस प्रकार से हम अपना शिक्षण कार्य करने का प्रयास करेंगे। ठीक, हम बच्चे को संख्या की अवधारणाओं की समझ हम समझाने के प्रयास करेंगे, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, अलग अलग प्रत्ययों के माध्यम से, अलग अलग प्रत्यय विकास के अवसर को सृजित करके उससे अलग अलग प्रकार के संबंधित उदाहरण दे करके, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को 2500 को कैसे समझाएंगे, किस एक अपने सहपाठी बच्चों का उपयोग कैसे करेंगे, क्लास में रहने वाले अन्य बच्चों से उसका मतलब निकाल लेंगे, अन्य बच्चों के अनुभव का भी उपयोग कक्षा कक्ष में करेंगे, तमाम गतिविधियां करा करके हम उस छोटे से प्रत्यय को बच्चे में समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। ठीक, समझ में आया। आज तो हम लोगों ने देखा संख्या पूर्व अवधारणा की विकास क्या है, कल हम लोग संख्या की अवधारणाओं को समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। ठीक, हाँ, आपके लिए सूचना है, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, थैंक यू।